पंजाबी फिल्म जट जेम्स बॉन्ड का जो प्रीमियर है बड़े जोरों शोरों चंडीगढ़ में हो रहा है। इस वेले मेरे नाल मौजूद ने जट जेम्स बॉन्ड के एक्टर्स जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अवतार से नज़र आ रहे हैं। भाजी तुहाडे तो जानना चाहोंगे जट जेम्स बॉन्ड एक प्रीमियर नू फ्रेश लुक दी गई है पंजाबी सिनेमे च की कहना चाहोंगे? सर हमेशा एक्टर्स की कोशिश होंगी है कि असी थ्री पीस पा के आईए भावें फिल्म के रक्षे वाला रोल ही होवे, है ना जी। सो असी क्योंकि इस इन्हां करैक्टर्स नू प्यार इन्ना करते हैं, असी डेढ़ महीना जिहड़ी शूटिंग की असी इस करैक्टर इन्हां करैक्टर्स नू जीविया, ये साडा साथी है, असी इहदे नाल जिहड़े 40 दिन बिताए ने असी उस चीज़ नू जीना चाहते सी इस फिल्म नू देखते हुए, और लोगों की इनवॉल्वमेंट होर वधेगी जदों स्क्रीन वाले करैक्टर जदों उन्हां नू सामने दिसणगे। मेरे ख्याल इट विल बी मोर इंट्रस्टिंग। अच्छा गिप्पी, तुहाडा जिहड़ा अज प्रीमियर दा लुक है, इही गल मैं कह रहा सी, बड़े नवे अंदाज नाल प्रीमियर दा भी लुक है, दर्शकों नू तुहाडी फिल्मां दा इंतजार रहिंदा ते की कहोगे धड़कना तेज़ ने प्रीमियर शुरू होने वाला है? हाँ बिल्कुल जी, धड़कना तेज़ ने जी, क्योंकि बड़ी मेहनत की है जी, बड़ी एफर्ट की है, कि किरदार के उत्ते काम किया गया जी। ये नहीं गया कि तुसी कहोगे कि जो पहला हो रहा उही हो रहा, सो नवी चीज़ है जी, नवी चीज़ के लिए धड़कना ज़्यादा होंदिया ने। सो रूटीन वर्क हों बंदे नू पता ही होंदा कि इदा आऊगा इदा चलूगा। सो साडे लई बहुत चैलेंजिंग गल सी जी, सिनेमा पलटण की कोशिश की है जी, तो ये चीज़ सीधी भी हो सकती है, पुठी भी हो सकती है। सो मालिक मेहर करूगा जी, मैंने लगता जिहड़े हिसाब से फिल्म का रिस्पोंस आया, क्योंकि कैनेडा ऑस्ट्रेलिया कई जगह तो लोगों ने देख ली है, तो मैंने लगता गलबात घेंट लगू जी। अच्छा ये जिहड़ा हैंडकफ का आइडिया है फिल्म च, ऑब्वियसली पहली बार फैंटम इफेक्ट्स आप देखा, होर भी नवी चीज़ा देखा, मगर प्रीमियर जिहड़ा हैंडकफ का आइडिया ये कितों आया? ट्रेलर जी। हाँ जी, ये तो हाथ कड़ी जो तुम आए हो प्रीमियर जिहड़ा नवा लुक? नहीं जी, ये देखो साडी फिल्म की लुक है जी, तिने जणिआं दी। सो जिदा घुग्गी भाजी नूं देखदे हो, जिदा मैनूं देखदे हो, जिदा इन्हां नूं देखदे हो, सो उही स्टाइल सी जो असी प्रोमो च दिखाया, जो असी फिल्म च दिखावांगे असी उही चीज़ नूं बरकरार रखण की कोशिश की है, तो उदा ही आए हैं जी, क्योंकि आर्टिस्ट तां ही चंगा लगता जे वो पूरे अपने किरदार च होवे, सो उही कोशिश की है जी। अच्छा यशपाल जी, पंजाबी फिल्म का जो आपका एक्सपीरियंस है, कई यादें आप अपने साथ ली होंगी इस फिल्म के बारे में, और कौन कौन सी यादें यहाँ से पंजाब से लेके आ रहे हैं उसके बारे में? मैं एक गल बड़ी स्ट्रोंगली कह सकता हाँ कि मैं इन्नी फिल्मा रावड़ी राठौड़ चाहे गंगा जल लगान कितनी फिल्म की, पर इस तरह का प्रीमियर तो इस तरह का प्रीमियर अज तक नहीं होया। सीधी जी गल है, क्योंकि यह बिल्कुल नई गल है, जिस तरह के करैक्टर असी इतने दिन बिताए, जिन्हों के नाल यह भी साडा साथी हैगा, आ भी साडा साथी हैगा, इन्हां दे नाल ही असीं प्रीमियर कर रहे हैं, तो फस्ट शो कर रहे हैं, यह बड़ी वड्डी गल है। पंजाब के सीनियर एक्टर सरदार सोई तुहाडे तो जानना चाहोंगे की कहना चाहोगे फिल्म का प्रीमियर होने वाला है? बहुत एक्साइटमेंट है, तो तुम ये देखिए जो एड्रेसा पाई ने फिल्म च, मेरे भी वैसी एड्रेस पाई हुई है। मैं ना पहला मुलाकात नहीं हो सकी, अदरवाइज मैं इसी ड्रेस चाहना सी, सिर ते परना सड़िया जा स्वेटर पाया, कमीज पाई, बहुत गरीब जी लोग है, वैसी फिल्म बनी है, गरीबी तो लड़ते कि वो जो सुपने ने वो सारे लोगों के साकार हो गए, कि गरीबी ने लड़के वो किमें बनया जा सकता है, ये है वो डाका मारांगे पूरी फिल्म च, डाका मारन आए हैं इस करके शायद गिरफ्तार होए ने। साडे नाल गल करन लई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंजाबी फिल्म जट जेम्स बॉन्ड का प्रीमियर बड़े जोरों शोरों नाल चंडीगढ़ में हो रहा है, तो इस वेले मेरे नाल मौजूद ने ब्यूटीफुल जरीन खान जो कि इस वेले बहुत सोहने लग रहे हैं। वेलकम टू डी एन। थैंक यू जी। सबसे पहले आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, कोई स्पेशल डिजाइनर का ये? सबसे पहले तो सत श्रीकाल सभी को। स्पेशल डिजाइनर, यस दिस इज ये बॉम्बे के एक डिजाइनर है रियाज गांजी, ये उनका क्रिएशन है। अच्छा तो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है, पहली पंजाबी फिल्म है? Yes, बोल सकते हैं that there are butterflies in my stomach, क्योंकि excitement इतना ज़्यादा है, क्योंकि आज मैं भी फिल्म पहली बारी देखने वाली हूँ, मैंने पहले नहीं देखी है, so very excited, just can't wait to go in and watch the film. अच्छा इस फिल्म को ज़रीन अब अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को दिखाएंगी? ऑफ कोर्स दिखाऊंगी, मैं तो ऑलरेडी बोल के आई हूँ यहाँ पे दैट आई थिंक बॉम्बे में भी कई थिएटर्स में ये रिलीज़ होने वाली है, सो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। कल मैं वापस जा रही हूँ और कल फिर मैं बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखूंगी। अच्छा आप जैसे कल वापस जा रही हैं, तो जाते जाते पंजाब की कौन सी यादें साथ अपने लेके जा रही? पंजाब ने मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें दी हैं, इतना सारा प्यार दिया है, जहाँ पे भी जाओ मुझे इतना वार्म वेलकम मिला है, तो ये सारी यादें मैं लेके जाऊंगी और बहुत जल्द वापस भी आऊंगी। सरीन हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं लोग आपके काम को। थैंक यू।
पंजाबी फिल्म जट जेम्स बॉन्ड आखिरकार सिनेमेघरों से उतरन ले तैयार है, तो इस वेले मेरे नाल फिल्म के डायरेक्टर मौजूद ने, तो उन्होंने जानते हैं कि किस तरह का जिहड़ा प्रीमियर सीगा, उन्होंने प्रीमियर वेख्या किस तरह, पर्सनली उन्होंने चंगा लग्या, तो जिहड़ी उन्होंने पंजाबी सिनेमे में कुछ अलग करने की कोशिश की है, उन्होंने कोशिश किन्नी को रंग लई है, इन्हों तो इन्हों का व्यू पॉइंट जानते हैं। वेलकम टू DNI। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल रोहित। असी तुहाडे नाल ऑन लोकेशन दे टाइम तो है, वी हैव सीन के तुसी ऑन लोकेशन ते सैट्स ते भज दौड़ कर रहे हो, एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी रिस्पोंसिबिलिटी निभाई है, तो हुण जदों लोगां अगे फाइनली फिल्म आ रही है, सो हाउ इज़ द फीलिंग ओवरऑल? द फीलिंग भाजी जी, द फीलिंग मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे प्रोड्यूसर साहब हैं और इन्हों आप फिल्म भी देखोगे, बहुत वधिया रोल निभाया है, पर इन्होंने और हमने मिलके ये पूरा जो सफ़र है जो तय किया है, बहुत इमोशनल सी जर्नी होती है जब अपना वो ऐसे ही है जैसे एक बेबी डिलीवर होते हुए देख रहे हो आप, तो अभी हम वो जो हमारा बेबी है आपके हाथों में सौंप रहे हैं, तुसी वेखो एंड प्लीज़ सदो सानू दसो कि किवें लगी। एक नया प्रयत्न है, सिनेमा नू नया आयाम देने की कोशिश करी है, पर एंटरटेनमेंट रखते हुए सारे मसाले हैं। ढिलों साहब ने म्यूज़िक जो दिया, जो म्यूज़िक लब के लाए, जो म्यूज़िक के लिए पूरी एफर्ट करी, मुकेश शर्मा जी, ये हमारे दूसरे प्रोड्यूसर हैं दोनों, गुरदीप ढिलों जी और मुकेश शर्मा जी, तो इन सब के साथ के बिना, जैसे आपने देखा था जब आप बोल रहे थे सेट पे किया, इन सब के साथ के बिना ये सफ़र पॉसिबल नहीं था, और अब फाइनली डिलीवर हो गया, तो अब आपके हाथ में है। प्लीज़ वॉच इट, गो विद योर फैमिली एंड लेट अस नो हाउ इट फील्स। जिस तरह तुसी कहा कि असी बहुत कोशिश की कुछ अलग विखाइए, वो असी सिनेमे च भी वेख्या, तो वाई यू नर्वस के जिहड़ी चीज़ तुसी प्रोजेक्ट करना चाहते हो पहली बार पंजाबी ऑडियंस लई, हो पाएगा नहीं हो पाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ जी, वो नर्वसनेस ना इज़ अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जब ये पूरा सफ़र चल रहा होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तब वो नर्वसनेस होती है, पर एक बार जब आपने बना दिया उसके बाद नर्वसनेस अब मेरे प्रोड्यूसर्स को है, क्योंकि अब इन्हों के पैसे वापस आने चाहिए और बहुत सारे आने चाहिए। कोई नर्वसनेस की गल नहीं है, फिल्म बहुत मतलब इट्स अ माइलस्टोन इन द फिल्म पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दैट आई कैन से। जो अभी बनाई भी सी इसे कॉन्फिडेंस ना बनाई है, और इन्नी महंगी फिल्म अज तक किसी ने बनाई भी नहीं। मैं हमने पहली बार वेखी, बड़ा वधिया, बहुत मजा आ गए, एक बार सारे कह दो जट जेम्स बॉन्ड बल्ले बल्ले, और बाकी सारे थले थले। अच्छा रोहित जी, एक्टर्स नाल जिन्हां तुसीं काम किया, जरीन, गिप्पी, यशपाल शर्मा, उन्हां नाल जिहड़ा काम करन दा एक जिहड़ा एक्सपीरियंस है, किस तरह दा रहा? जी बहुत वधिया था, वधिया सी। मैं सोच रहा था गिप्पी इधर पंजाब के सुपरस्टार हैं, तो जो मैं मेथड एक्टिंग कराना चाहूँगा वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुगी, यशपाल शर्मा, वो दोनों तो किरदार में उतर ही जाते हैं, क्योंकि थिएटर के आर्टिस्ट हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरप्रीत कुगी जी, जिनको एज अ कॉमेडियन आप जानते हैं, उनको आप एक्चुअली एक एक्टर के रूप में देखेंगे। गिप्पी की मैं इसलिए तारीफ़ करूँगा कि अगर उनको वो एक कोठा है, छत है, जो चूता है, चूंदा है, वो उसमें अगर उनको सुलाया था तो वो सोए थे 6-7 घंटे, उसके बाद शूट किया था वो फील के लिए, तो वो सब चीज़ें उन्होंने करी हैं। आपको इसमें गिप्पी गरेवाल नहीं दिखेगा, छिंदा दिखेगा जो फिल्म का किरदार है, इसमें गुरप्रीत कुगी बिंदर दिखेगा, यशपाल शर्मा पंथ मिस्त्री दिखेंगे, तो द एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल। रोहित जी साढ़े गल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते जिस तरह अज रिस्पोंस मिले लोगों का, आने वाले टाइम भी उस रिस्पोंस मिले। बिल्कुल, थैंक यू। खबरों की दुनिया में आओ, साढ़े नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।